हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। सो मैं आपको पढ़ा रहा हूं 8 मैथमेटिक्स। सो टुडे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन। सो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे, याद है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल में भी आपको समझाया था। एक एग्जाम्पल ऐसे एक्स प्लस टू इक्वल टू फोर। तो सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर इक्वेशन का, जो आपके आगे भी काम आएगा। तो अच्छे समझे इसको। और ये जो चैप्टर है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, यहाँ 6 एक्सरसाइज है, सब ये सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है समझने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी करो इसके ऊपर हम बहुत सारा ऑपरेशन करेंगे। जो भी ऑपरेशन हम करेंगे वो ये लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है बोलो? LHS should be always equal to RHS। क्यों? अगर LHS RHS के साथ, LHS क्या है? Left hand side। RHS क्या है? Right hand side। अगर LHS और RHS सेम नहीं होंगे तो इसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो हमेशा याद रखना LHS RHS सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसको बोलेंगे अभी डिफाइन कर देता हूं, इसको ध्यान में रखकर हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच व्हिच सैटिस्फाइज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मे बी मोर देन वन वैल्यू, मे बी व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ x है और कहाँ y भी हो सकता है, कहाँ x y दोनों हो सकते हैं, तो ये वेरिएबल का जो वैल्यूज, जो वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? LHS इक्वल टू RHS होगा, इसको बोलते हैं सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाई करेगा x को जो वैल्यू के लिए x प्लस टू इक्वल टू फोर होगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। कैसे? लेट्स पुट लेट x इक्वल टू वन, तो x प्लस टू कितना होगा? 1 plus 2 is equal to 3. ये 4 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो LHS here is not equal to RHS. तो ये solution नहीं होगा। ठीक है? So this is not a solution. लेकिन चलिए हम क्या करते हैं? ये जो x plus 2 is equal to 4 equation के लिए, let us take x equal to 2. तो x plus 2 क्या होगा? LHS x plus 2 क्या होगा? 2 plus 2 is equal to 4, which is equal to RHS, is not it? So LHS is now equal to RHS. तो ये जो x equal to 2 value, it satisfies the equation, because satisfaction means LHS equal to RHS. As x equal to 2 satisfies the equation, so x equal to 2 is a solution of x plus 2 equal to 4. आया समझ में? तो solution किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल का जो वैल्यू ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, सैटिस्फाई मतलब LHS इक्वल टू RHS होगा x का, और वो वेरिएबल का उसी वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये जो वेरिएबल्स का कहां-कहां एक वैल्यू सैटिस्फाई करेगा, कहां-कहां मोर देन वन वैल्यू हो सकता है, अगर एक वैल्यू सैटिस्फाई होगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। मोर देन वन वैल्यू सॉल्यूशन, अगर मोर देन वन वैल्यू सैटिस्फाई करेगा तो मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सभी इक्वेशंस में एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। हम बहुत सारे इक्वेशन करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कुछ समझना है इसको लिख लो, पूरा वीडियो पॉज करो और उसको लिखो। चलिए कुछ और पॉइंट्स नोट कर लेते हैं पहले, फिर हम सॉल्यूशन में जाएंगे, एग्जांपल्स में जाएंगे। ठीक है, क्या नोट करना है? सम ऑपरेशंस ड्यूरिंग सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ ऑपरेशंस हमको याद रखना पड़ेगा। कैसे ऑपरेशन चेंज होता है? ड्यूरिंग साइड चेंज, साइड चेंज मतलब, साइड चेंज मतलब LHS टू RHS और RHS टू LHS। कैसे? सपोज x प्लस टू इक्वल टू फोर, अगर 4 को हम इस तरफ लाते हैं इसको बोलते हैं RHS टू LHS, अगर 2 को हम इस तरफ लेते हैं इसको हम बोलते हैं LHS टू RHS। ड्यूरिंग दिस साइड चेंज, इसको बोलते हैं साइड चेंज। ये साइड चेंज के वक्त
कुछ जो ऑपरेशंस कैसे होंगे हम हमको याद रखना पड़ेगा। कैसे? फर्स्ट राउंड एडिशन, अगर साइन प्लस होगा तो साइड चेंज के वक्त माइनस हो जाएगा, अगर यहां साइड प्लस है तो इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और उनमें से एडिशन अगर अगर इधर हुआ है तो इस तरह जाकर सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन हुआ है तो एडिशन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लाई हुआ है तो अदर साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? अगर 2x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर x by 2 इक्वल टू सपोज 4 है तो x कितना होगा, ये क्या हुआ है इधर डिवाइड हुआ है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा और प्रोसेस हम देखते हैं कैसे समझेंगे। सपोज कुछ हुआ है, देखो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं, न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर एंड वाइस वर्सा, मतलब न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा। कैसे? एग्जाम्पल में समझते हैं, सपोज 2/3y = 5, हमें इस टाइप जो LHS में क्या रखना है, सिर्फ वेरिएबल रखना है क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू हमें चाहिए, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो y को रखेंगे और सबको इस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा 5 into, न्यूमरेटर में कौन है 2 है तो न्यूमरेटर कहां जाएगा, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, आ गया डिनोमिनेटर में, और 3 कहां है डिनोमिनेटर में, तो ये कहां जाएगा डिनोमिनेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 15। आएगा समझ में? न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में साइड चेंज करने के वक्त, और डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, सो ये कोई कुछ चीज को हम समझना और याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप नहीं भी समझ पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स करेक्टली, ओके, सिंपली आई विल एक्सप्लेन एंड यू आई गिविंग श्योर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, यू विल अंडरस्टैंड, ओके। सो लेट्स ट्राई वन एग्जांपल, जो जो मैं अभी आपको पढ़ाया हूं ये सम बेसिक पॉइंट्स है याद रखने के लिए, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल कर लेता हूं आपका बुक का ही, एग्जांपल नंबर 1, ओके, चैप्टर 2 एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी। सपोज 2x - 3 = 7, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे, हमेशा एक बात थोड़ा सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल जिस टर्म में है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और कांस्टेंट को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। ठीक है, अभी तो वेरिएबल वाला टर्म राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर है ही तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे वेरिएबल वाला टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। वेरिएबल वाला टर्म कौन है 2x, इसको रख लो लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी वाला टर्म कौन है -3, ये जाएगा राइट हैंड साइड पर, 3 का साइन क्या है माइनस है, माइनस अगर है तो राइट हैंड साइड पर जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो गया +3। आएगा समझ में? तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2x = 7 + 3 कितना होगा 10। ठीक है, अभी फिर क्या करना है, हमें तो x का वैल्यू चाहिए लेकिन एक 2 इधर एडिशनल हो गया है कोएफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे सर, x का x ही लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे बाकी सबको ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। ठीक है, रख लो x को, 2 जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो 2 इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा। अगर दूसरे तरीके में आप समझना चाह रहे हो तो ठीक है, ये 2 = 2/1 है, तो 2 कहां पर है न्यूमरेटर पर है, न्यूमरेटर में हो है तो कहां जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, x = 5, दिस इज आवर सॉल्यूशन, ओके, x = 5 इज आवर सॉल्यूशन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, वेरी सिंपल, ओके। समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं, आएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल है ये चैप्टर, सबसे सिंपल है लेकिन समझना चाहिए क्योंकि इसका वास्ट एप्लीकेशन है फर्दर स्टडी में। ठीक है, सो 2y + 9 = 4, ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो टर्म में हमारा वेरिएबल है उसको हम रखेंगे
बाकी को ले जाएंगे अदर साइड। 4 माइनस 9 क्यों? इधर इसका साइन है प्लस, इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो 2i = -5। माइनस फाइव कैसे बता रहा हूं, ये तो इजी है। इधर इसका साइन है प्लस, माइनस इसका साइन है प्लस, ठीक है। साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले जो नंबर है उसे छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। 9 - 5 = 9 - 4 = 5। उसके बाद क्या करेंगे, जो बड़े वाले नंबर है उसका साइन दे देंगे हम माइनस, ठीक है, हो गया माइनस फाइव। फिर क्या करेंगे, इसको जो वेरिएबल है उसको ही रखेंगे, बाकी को ले जाएंगे अदर साइड। तो 2 आएगा इस साइड, 2 इधर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, ये हो गया -5/2। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 3 आप खुद ही कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो ये है रेजेस, ये है एजेस, क्या करेंगे हम, वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और बाकी को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। वेरिएबल वाला टर्म कौन है, -7x, इसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर कौन जाएगा, 15/4 9, जो यहां है वो पहले रहेगा और जो आएगा वो दूसरे पर रहेगा, ठीक है। अगर भाई खुद का घर है तो आगे यही रहेगा ना, जो बाहर से आएगा वो बाद में रहेगा। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -15/4, ठीक है। सो -7x = थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई होता है आपको तो पता होगा, 4 1 का एलसीएम है 4, 4 / 1 = 4, 4 × 9 = 36, -4 / 4 = 1, 1 × 15 = 15। सो दैट इंप्लाइज -7x = ये हो गया आपका 21/4। सो दैट इंप्लाइज x = इधर माइनस एक्स रहने दीजिए, 7 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये न्यूमरेटर पे है, इधर जाके डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई होगा, 4 × 7, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, 7 1 जा एंड 7 3 जा, सो -x = -3/4 + 3/4, और x कितना होगा, ये जो माइनस है ये इस तरफ जाके माइनस ही होगा, -3/4। So x = -3/4 is your solution, ठीक है। अगर ये x आ गया, इसको अगर हम यहाँ डाल देंगे x के जगह पर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 9 ही आएगा, इसलिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है, हो गया। तो चलिए हम नाउ एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का सपोज मैं आपको हर नंबर में नहीं करता हूं, क्योंकि 1 2 3 आप खुद ही कर सकते हो, ओके, मैं 4 कर रहा हूं डायरेक्ट। 4 3/7 + x = 17/7, ये सब नंबर एक जैसा है, इसलिए मैं हर नंबर नहीं कर रहा हूं, कोई कोई नंबर आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, मैं बता दूंगा। तो इधर क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, x है वेरिएबल, तो लेफ्ट साइड पर x रखेंगे, बाकी को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, 17/7 - 3/7, दैट इंप्लाइज x = 7 हो गया आपका एलसीएम, ये होगा 17 - 3, सो x = 17 - 3 मतलब 14/7 = 2, ठीक है, हो गया। सो x = 2 इज योर सॉल्यूशन। फिर कौन सा नंबर होता है, सपोज नंबर 6, t/5 = 10, so that implies t = कितना होगा, 5 इधर डिवाइड हुआ है, इस तरह से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पे है, इस तरह जाएगा तो कहां मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा, जो मैं बताया था आपको थर्ड प्रिंसिपल, सो t = 50, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। जो तीन प्रिंसिपल मैं आपको बताया हूं, वो तीन प्रिंसिपल गोल्डन प्रिंसिपल अगर आप याद रखेंगे, तो जितना भी पढ़ा, जितना भी मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया होगा, ये जो चैप्टर में टोटल जो तीन एक्सरसाइज में ऐसे सिंपल प्रॉब्लम वाला सब आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो मैं कर देता हूं, बाकी आप खुद कीजिए, नहीं तो मुझे पूछिए। सपोज और एक कर रहा हूं मैं, 7x - 9 = 16, कैसे करेंगे, ये लेफ्ट साइड पर कौन रहेगा, आप खुद बताओ, 7x रहेगा, और माइनस 9 कहां जाएगा, आरएचएस पे जाएगा, 16 + 9, सो 7x = 16 + 9 = 25, सो x कितना होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ है, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया आपका सॉल्यूशन।
आठ नंबर थोड़ा बता देता हूँ, बच्चे मुझे हमेशा पूछते हैं लेकिन ये वेरी इजी है। 1.6 इज इक्वल टू वाई बाई 1.5, सो दैट इंप्लाइज जो टर्म में वेरिएबल है उसको पहले ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, हमें सॉल्व करने में इजी होगा। इक्वल टू 1.6, फिर क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड हुआ है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y इक्वल टू 1.6 इनटू 1.5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, इतना तो वेरी इजी। लास्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 11। सेवेंटीन प्लस 6p इज इक्वल टू 9, सो क्या करेंगे हम, जो वेरिएबल है जो टर्म उसको ही रखेंगे, बाकी को ले जाएंगे अदर साइड, इसका साइन क्या है प्लस है, इधर आकर जाएगा माइनस, सो 6p इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, बड़े का साइन और बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, माइनस 8, पी कितना हो जाएगा माइनस 8/6, सो पी इज इक्वल टू माइनस 2, 3, 2, 4, -4/3, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो मैं क्या क्या एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 से 3, 3 और एक्सरसाइज 2.1 से जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर दिया, सही में तो कोई डिफिकल्ट नहीं है लेकिन जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको मैं कर दिया हूँ, बाकी आप खुद करने का कोशिश करो, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछो, ठीक है। ये था आपका 2.1 और अगले क्लास में इसको कैसे हम रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे उसका हम पढ़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो ठीक है, हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए, खेलते रहिए और स्टे ट्यून्ड एट आवर चैनल। बाय बाय, फिर मिलते हैं।